अगर आपकी गाड़ी इस राज्य में रजिस्टर्ड है और कई सालों से आप गाड़ी का टैक्स नहीं भर पाए हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है जो बताएंगे आज न्यूज़कास्ट के इस प्रोग्राम में। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कैसे ड्राइवर की कहानी, जिसने अपनी गाड़ी लुटने से भी बचाई और साथ में ही लुटेरों को ऐसी पटकनी दी कि सारी उम्र वो याद रखेंगे। तीसरी खबर है एक ऐसी गाड़ी और ड्राइवर की जो पिछले 45 से 50 दिन से गायब हैं, उनका कुछ भी अता पता नहीं लग रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खास प्रोग्राम न्यूज़कास्ट। ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़कास्ट। सबसे पहली खबर जो है वो है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिनका टैक्स टूटा हुआ है, यानी कि उन गाड़ी मालिकों के लिए जिन्होंने जो अपना टैक्स जो है काफ़ी देर से भर नहीं पाए हैं और जुर्माने लगकर वो एक बड़ी अमाउंट बन गया है, तो उनको राहत देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो क्या है स्कीम, आपको फटाफट बता देते हैं। अगर आपकी गाड़ी 20 साल से पुरानी है तो जितना भी आपका टैक्स बकाया है उसका 90% डिस्काउंट आपको मिलेगा। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए पेंडिंग है तो 90,000 रुपये आपको छोड़ दिया जाएगा, सिर्फ 10,000 रुपये आपको भरना है और आपको अपनी आरसी उसके बाद कैंसिल करवा लेनी है क्योंकि 20 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी। अगर आपकी गाड़ी 15 साल से ज़्यादा है और 19 साल से कम है तो आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा जो भी रकम आपकी पेंडिंग है। और अगर आपकी गाड़ी इसी तरह से 10 साल से ज़्यादा है, 15 साल से कम है तो 50% डिस्काउंट है, और 5 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम अगर आपकी गाड़ी की उम्र है तो 40% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर अभी सिर्फ 5 साल से कम है आयु आपकी गाड़ी की तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट का फ़ायदा लें और जो बाकी का टैक्स है उसे जमा करा कर आप दोबारा से अपनी गाड़ी को शान से सड़कों पर चला सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ये जो ऑफ़र है मध्य प्रदेश सरकार की वो सिर्फ 31 मार्च 2020 तक ही लागू है, तो अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो 31 मार्च से पहले पहले आप ये डिस्काउंट लेकर अपना टैक्स भर सकते हैं। तो दूसरी खबर है मध्य प्रदेश के रतलाम से। वहाँ पर हाईवे के ऊपर चलती गाड़ी से कुछ लुटेरे गाड़ी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। अक्सर हमने देखा है कि चलती गाड़ी से पिछली साइड से वो तरपाल को काट लिया जाता है और बाद में उसमें से सामान को जो होता है उसको निकाल लिया जाता है। लेकिन जिस गाड़ी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें कि ये जो गाड़ी मालिक है वो बेहद समझदार है। उसने एक कैमरा अपनी गाड़ी के पीछे लगा रखा है जिससे ड्राइवर को क्या हो रहा है उस गाड़ी के पीछे वो सारी चीज आगे स्क्रीन के ऊपर दिखती रहती है। तो आप देखें उस कैमरे की फुटेज है, ये 3 लोग बाइक सवार हैं, वो पीछा कर रहे हैं एक ट्रक का और ट्रक ड्राइवर आगे देख रहा है कि ये लोग पीछे आ रहे हैं और जो तरपाल वगैरह है रस्से हैं उसको काटने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जो शख्स बीच में बैठा है वो उठता है और गाड़ी को वो रस्से जो है उसके काटने की कोशिश करता है। इतने में ड्राइवर जो है वो एकदम गाड़ी के ब्रेक मार देता है और जिससे जो बाकी के 2 सवार हैं वो एकदम से जो ट्रक से टकरा कर पीछे गिर जाते हैं और जो एक व्यक्ति लेकिन ट्रक के ऊपर चढ़ा रहता है। और बाद में जब उसे एहसास होता है कि ड्राइवर को पता चल चुका है और कभी भी वो गाड़ी रोककर उसे पकड़ सकता है तो वो समय पाकर नीचे उतरता है थोड़ा और फिर छलांग लगाकर वो भाग जाता है। ये जो घटना है बेहद दिलचस्प है, एक बहुत बड़ा लेसन है सभी के लिए। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, एक छोटा सा कैमरा गाड़ी के पीछे लगाकर इस ड्राइवर ने ना सिर्फ अपनी गाड़ी को लूटने से बचा लिया और गाड़ी मालिक ने की भी तारीफ करनी होगी जिसने ये कैमरा लगाया, और लेकिन साथ में ही इन ये जो लुटेरे हैं उनको भी अच्छा सबक सिखाया। आप देख सकते हैं कि जिस स्पीड से जो टक्कर हुई है बाइक की और ट्रक की वो बहुत तेज था उस समय, दोनों की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी ज़्यादा चोटें उनको आई होंगी निश्चित तौर पर, और इवन जो तीसरे व्यक्ति ने छलांग लगाई है वो भी चोटों से बच नहीं सका होगा। तो जब हमारी सरकार और हमारा प्रशासन सुस्त है, नाकामयाब है ऐसे लुटेरों को पकड़ने में, तो ये एक अच्छा मैं कहूँगा कि उपयोग है टेक्नोलॉजी का, कैमरे का इस्तेमाल किया है इन गाड़ी मालिक और ड्राइवर ने, तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश से। आपको बताएं कि गाड़ी मालिक है पवन कुमार, गाड़ी का नंबर है HR55W6897, वॉल्वो एशर की ये गाड़ी है, 2015 मॉडल। ड्राइवर जो इसके ऊपर थे गुरसाहिब सिंह, पंजाब के रहने वाले हैं। ये गाड़ी पंजाब के हुशियारपुर से चली थी प्लाई लेकर, सेंचुरी प्लाई नाम की कंपनी है उसके लिए कोलकाता इस गाड़ी को जाना था। 17 दिसंबर 2019 को यह गाड़ी यहाँ से चली थी हुशियारपुर से। गाड़ी रास्ते में चलती रही, कई टोल इसने क्रॉस किए, लेकिन लास्ट जो टोल इसने क्रॉस किया था वो 20 दिसंबर को लखनऊ के पास इतौजा
जगह है, टोल है, वहाँ पर इसने क्रॉस किया था उसको 10:21 पर, लेकिन उसके बाद से लेकर ना तो ड्राइवर का कुछ पता है और ना ही इस गाड़ी का। अब ये नहीं पता चल रहा है कि ड्राइवर ने गाड़ी को लूटा है या फिर लुटेरों ने, जैसे हमने कई केसेस के अंदर देखा है कि ड्राइवर को मार दिया, इंजर कर दिया और गाड़ी को लूट लिया गया, कुछ भी इस गाड़ी के साथ हो सकता है। फिलहाल जो गाड़ी मालिक हैं उन्होंने इसकी DDR जो पुलिस के पास वो रजिस्टर करा दी है, लेकिन कुछ भी अभी तक पता नहीं चला है। 20 दिसंबर की ये घटना जैसे मैंने आपको बताया। गाड़ी मालिक का ये कहना है कि जो ड्राइवर था गुरसाहब सिंह वो सिर्फ 45 दिन पहले ही उसके पास आया था, लेकिन वो इसको पुराना जानता था क्योंकि इससे पहले वो उसके एक दोस्त की कंपनी में गाड़ी चलाता था। गाड़ी मालिक ने भी परहेज किया ये कहने में कि ड्राइवर का कसूर लग रहा है या लुटेरों का ये काम है। उनका कहना था कि मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो हम उम्मीद करेंगे कि गुरसाहिब सही सलामत अपनी गाड़ी के साथ पुलिस वालों को मिल जाए, अपने घर पहुँच जाए और इस गाड़ी मालिक का भी कोई नुकसान ना हो। खैर, न्यूज़कास्ट के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट TV अच्छा लगता है तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट TV को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट TV, जानकारी लाभकारी।